everyone, I hope you all are fit and fine. So let's start our English class. So students, in our previous video we have learned polysound of E. और polysound of E की बेटा हमने one exercise भी complete कर ली है जो आपकी book में page number 15 पर है. तो आज हम उसकी second number वाली exercise complete करेंगे जो आपको आप screen पर देख भी रहे होगा ना, दिख रहा है ना आपको. तो question क्या आपका, circle the correct name of the पिक्चर. जो आपकी देखिए ये पिक्चर्स दी हुई है, इनके नीचे टू टू वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है. तो टू टू स्पेलिंग लिखी हुई है, तो आपको इसमें की जो करेक्ट स्पेलिंग है इस साउंड की, इस पिक्चर की जो करेक्ट स्पेलिंग है उसके ऊपर क्या करना है, हमें सर्किल बनाना है. ओके सो लेट्स सी फर्स्ट पिक्चर किसकी शो हो रही है, आपको किसकी पिक्चर है फर्स्ट में देखिए क्या है. ये मैंने आपको बताया था जो डॉगी का पिल्ला होता है, छोटा बच्चा बेबी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट. तो इसमें देखिए टू स्पेलिंग है, फर्स्ट में क्या है पी ई टी पेट और क्या है डब्ल्यू ई टी वेट. तो पेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, पी ई टी पेट. तो हम पी ई टी पेट पर सर्किल बना देंगे. ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसकी पिक्चर है, कुआ बोलते हैं जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कुआ. वेल, जिसमें से पानी निकलता है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल. अब वेल की स्पेलिंग क्या होती है, इसमें देखिए एक तो दी हुई है डब्ल्यू ई एल एल वेल और सी ई एल एल सेल. तो वेल की करेक्ट स्पेलिंग क्या हुई, डब्ल्यू ई एल एल वेल, ठीक है. तो वेल पर हम सर्किल बना देंगे. ओके अब थर्ड नंबर पर देखिए, ये तो सबको आती है, आप इजीली कर लोगे, करो फटाफट कर लोगे ना अपने आप ही, ठीक है. कुछ को नहीं आ रही है मैं बता देती हूँ, आपको नहीं आ रही है, ये तो आपको आती है. इंग्लिश स्पेलिंग मैंने बताई आपको क्या है, किसकी पिक्चर है ये, हैंड. तो हैंड में देखिए ध्यान से, एम ई एन मैन और एच ई एन हैंड. तो हैंड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ये तो आप अपने आप ही कर लोगे, कौन सी है, एच ई एन हैंड. सेकेंड नंबर वाले तो से हैंड के ऊपर आप सर्किल बना दोगे. फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए किसकी पिक्चर शो हो रही है आपको, क्या है ये, यस लेग. अपनी जो अभी मैंने बॉडी पार्ट्स में आपको बताया नहीं, बताऊंगी बेटा. तो लेग जो टांग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेग. और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसमें देखिए एल जी लेग पी ई जी पेट. कौन सी होगी करेक्ट स्पेलिंग, एल ई जी लेग. तो एल ई जी लेग के ऊपर हम सर्किल बना देंगे. ओके फिर नेक्स्ट देखिए, ई फॉर एग भी होता है बेटा ना, ये क्या है एग, एग मीन्स अंडा. तो स्पेलिंग क्या क्या दी हुई है देखिए, ई डबल जी एग और के ई जी केग. तो एग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ई जी जी एग. तो ई डबल जी एग है ना फर्स्ट में, उसके ऊपर हम कर सर्किल बनाएंगे. ओके हो गया. नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए क्या दिया हुआ है, क्या बना हुआ है, ये जाल सा है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, नेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेट. और नेट की स्पेलिंग देखिए नीचे क्या दिया, जी ई टी गेट एल ई टी नेट. तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हुई, सेकंड नंबर वाली, एन ई टी नेट. तो एन ई टी नेट के ऊपर हम सर्किल बना देंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. और आई होप कि पिछली एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज नंबर वन है वो आपने कंप्लीट कर ली, जिसने नहीं किया वो भी कंप्लीट करना बेटा. और दोनों एक्सरसाइज एक साथ कंप्लीट करके दोनों की एक साथ आप मुझे पिक सेंड करेंगे और बुक में ही ये कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है. तो बुक में ही कंप्लीट करके और फिर मुझे इसकी पिक भेजेंगे. ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू.